विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और आज इस सत्र का 13वां दिन है। कार्यवाही एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। आपको सीधे लिए चलते हैं सदन की कार्यवाही में। सरकार संज्ञान में लिया है इस बात को, और मैं कहना चाहते हैं कि भूख में मौत ये पहली बार विधानसभा में चर्चा नहीं हुई। इसके पहले भी एक नहीं अनेकों बार इस तरह की घटनाएं घटी है और हम लोग भी बात रखने की भी कोशिश किए थे। उस दिन को भी याद आपको करनी चाहिए। निश्चित तौर पर हमने आश्वासन देते हैं इसको हम लोग दिखाएंगे और पुनरावृत्ति नहीं हो, कोई भूख से यहाँ पर मरे ऐसा परिस्थिति पैदा नहीं हो, इस पर हम लोग चिंतित हैं। सरकार संज्ञान में लिया है। माननीय मंत्री जी के विचारों से उनकी भी भावना आई है अध्यक्ष महोदय, मैं केवल आपसे आग्रह करता हूँ, आप कस्टोडियन है अध्यक्ष महोदय, ये विषय एक व्यक्ति के मौत का नहीं है बल्कि झारखंड के माथे पर एक बहुत बड़ा कलंक है अध्यक्ष महोदय। और मैं जानता हूं कि कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि हमारे यहाँ के किसी भी जनता का गरीब गुरबा का मौत हो, ये सरकार का दोष कम है, लेकिन अधिकारी पदाधिकारियों की लापरवाही है अध्यक्ष महोदय, जिसके चलते एक गरीब दलित परिवार का मौत हुआ है अध्यक्ष महोदय, फिर उसको बचाने की कोशिश। कमलेश बाबू, सरकार में संज्ञान में है, सरकार पहले सुनिश्चित कराएगी उसके बाद हम देखेंगे इसको। पहले तो हम बोल रहे की हम दिखा रहे हैं इसको, अब जवाब हम लोग देंगे आपको। सोमवार को जवाब दे दीजिए। नहीं, हम पहले जांच करा ले, जांचों उपरांत आपका जवाब आ जाए। कमलेश, कोई काम नहीं होगा जी, एक दिन में आप बोलिएगा, आप करके दिखा दीजिए। पूरी तरह हम जांच करेंगे, हर पहलू पर हम काम देखेंगे, हर पहलू को देखेंगे, मौत कैसे हुई, भूख से हुई कि नहीं हुई, ये सारे पहलू को हमको देखना पड़ेगा। आप बोलिएगा 24 घंटे में जवाब दे, ये संभव नहीं है। माननीय सदस्य, जब संसदीय कार्य मंत्री आपके बातों को संज्ञान में लेते हुए कुछ तथ्यों को आपके बीच रखना चाह रहे हैं तो मेरा आग्रह होगा कि उसको सुन लिया जाए, उसके बाद फिर आपके मन में अगर कोई शंका होता है तो आप पुनः उसको पूछ रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं माननीय तीन सदस्य आप खड़े हो जाते हैं, वो सब ठीक नहीं। कमलेश जी, अध्यक्ष महोदय, हम आपको सादर निवेदन करना चाहते हैं कि चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जो भी क्वेश्चन है अध्यक्ष महोदय, चाहे तारांकित हो चाहे अल्पसूचित हो, 3-4 प्रश्न आते आते फिर पीछे का प्रश्न खत्म हो जाता है। तो बहुत राज्य के अनेक जगह जिला के समस्याओं से माननीय विधायकगण अपना बात आपके समक्ष रखना चाहते हैं, लेकिन समय के अभाव में नहीं हो पा रहा है अब अध्यक्ष महोदय। तो हम आपसे आग्रह करेंगे अध्यक्ष महोदय कि विधानसभा के मार्फत एक कमिटी बना दिया जाए कि जो भी प्रश्न बाकी रह जाता है जिसका कि जवाब हम लोग को नहीं मिल पाता है अध्यक्ष महोदय, उसके लिए एक कमिटी बना दिया जाए जो कि से क्षेत्र का जो भी समस्या है उसका निदान हो जाए। आपसे आग्रह है यही अध्यक्ष महोदय। माननीय श्री सरजू राय, आपका स्थगित प्रश्न है। महोदय, पूछता हूँ मैं, सर कल की घटना से पूरा राज्य संसार है महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं देश के राष्ट्रपति को मैं आग्रह करना चाहता हूं कि कल महोदय आपने देखा होगा कि पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई जो राज्यसभा का सांसद भाजपा के द्वारा बनाया गया महोदय, ये कहीं ना कहीं हमको लगता है कि ये कहीं ना कहीं न्याय पर विश्वास उठ जाएगा महोदय। यह विषय सदन का नहीं है महोदय। माननीय सदस्य, अच्छा तो आप माननीय सदस्य। तो सदन की कार्यवाही का आज 13वां दिन है। आज भी जिस तरीके से हंगामे हो रहे हैं, कुछ मुद्दे भी उठ रहे हैं और सवाल जवाब भी हो रहा है। आपको दोबारा लिए चलेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं छोटा सा ब्रेक के लिए।